परमात्मा की भक्ति करते हुए कितना अमृत झरता है। दो मिनट के लिए ही सही, पर अपने को अनुभव होता है कि हम किसी अलग दुनिया में चले गए। ये भक्ति है। भक्ति की शक्ति को अभी आप पहचानते नहीं। ये भक्ति की शक्ति विश्व में जितनी भी शक्तियां हैं उन सब से सर्वाधिक पावरफुल है। भला परशुराम के उग्र को क्रोध को और उनके चमकते हुए परशु को सबको आशा यह अभी सबको काट करके या खून की नदी बहा देगा, उसको किसने जीता? श्री राम ने तीर तरकस से जीता। उनको जीता भक्ति से। बंधुओं, आप भी विश्वास करो कि भक्ति तिन्नानं तारियाणं है। करने वाले को तिराती है और सुनने वाले को भी, अगर धारण कर ले तो उसका भी उद्धार हो जाता है। भगवान महावीर की भक्ति आप और हमने की। आपको पता है महावीर का एक अलग और नाम है। चारों तरफ केवल महावीर नाम ही ज्यादा प्रसिद्ध है, पर असली नाम ये नहीं है। भगवान महावीर का असली नाम वर्धमान है, जो उनके माता पिता का दिया हुआ है। महावीर नाम तो फिर आया, वर्धमान का अर्थ है बढ़ता हुआ। हम वर्धमान के अनुयायी बढ़ते रहे, बढ़ाते रहे। किसमें बढ़े आप? बढ़ना किसमें मानते हैं? चलो आप ही फैसला करो। आप बढ़ना इसमें मानते हैं कि ये अब उम्र में बड़ा हो गया, आप बड़ा मानते हैं इसके पास पहले कुछ नहीं था, आज खूब बढ़ गया, वैभव बढ़ गया, धन संपत्ति बढ़ गई, भौतिक पदार्थों में और साधनों में जो आगे बढ़ता है उसको आप बढ़ता हुआ मानते हैं। पर ये धारणा, जागतिक धारणा, एक व्यवहार का प्रदूषण। आपने कभी यह नहीं सोचा कि व्यक्ति ज्ञान में भी बढ़ता है, दर्शन में भी बढ़ता है, साधना में भी बढ़ता है, चारित्र में भी बढ़ता है, त्याग में भी बढ़ता है, तप में भी बढ़ता है, दान में भी बढ़ता है, परोपकार सेवा में भी बढ़ता है। इस दृष्टि से आप कितने बढ़ रहे हैं? आपका लक्ष्य है धन में बढ़े,
तद में तड़े परिवार में बड़े, पर आप ये नहीं सोचते कि हम गुणों में भी बड़े, सच्चाई में भी बड़े, अच्छाई में भी बड़े, परोपकार में भी बड़े, सेवा में भी बड़े और साधना में भी बड़े। कभी इस दृष्टि से आपने अब खुद को नापा कि आप गुणों में बड़े हैं या गुणों में और गिर गए? जब बच्चे थे तब तो बहुत सरल थे, आपस में झगड़ते हैं, दो बच्चे घर जाके खाना खाया, वापस गली में आकर वही दो ही बच्चे आपस में खेल रहे हैं, कितनी सरलता थी। और आज आप किस तरह से कपट की खान बन गए हैं। मन में कपट, वाणी में कपट, नहीं ना कपट विराट। तुलसी हरी कैसे मिले, मन में ओगत घाट, वाणी में भी कपटाई से बोलेंगे, आंखों से भी कपटाई से देखेंगे, मत से कपटाई के घात करते रहते हैं, फिर कहते हैं हमको भगवान मिले। ऐसे कपटी लोगों को भगवान तो मिलना नहीं है। उनकी सदगति होना भी दुर्लभ है। ऐसे लोग प्राय नरक त्रियंचों में जाते हैं। तो बंधु, कपट में बढ़ गए, लोभ लालच में बढ़ गए। एक बच्चा रोता है, हाथ में एक ट्रॉफी दी, खुश। और अगर आप दुखी बैठे हो और कोई आपको आकर के एक ट्रॉफी दे दे, तो भाई क्यों नाराज हो रहे हो, ले भैया, छोड़ के चली जाएगी। तो बंधुओं, तकलीफ क्या है? तकलीफ यह है कि हम नकारात्मक ज्यादा सोचते हैं, यह नहीं करना, यह नहीं करना, यह नहीं करना। ये तो ठीक है, पर आप जो करना है उसको सामने लाओ ना। जब आप करने को सामने ले आओगे तो नहीं करने वाली बात अपने आप हट जाएगी। ये नहीं होगा, आपने कैसे फैसला कर लिया? आपने एक कदम भी नहीं उठाया और आपने कहा मुझसे सामायिक नहीं होती है। नहीं क्यों होती है? आपने सामायिक के लिए एक कदम भी उठाया क्या? साधना के लिए एक कदम भी उठाया क्या? स्वाध्याय के लिए एक कदम भी उठाया क्या? बंधु, पुरुषार्थ के बिना जीवन में कहीं सफलता नहीं मिलती है। और धर्म पुरुषार्थ का पाठ पढ़ाता है। भगवान महावीर ने कहा,
अति पुरुष कम में परक्रम में, मैं पराक्रम में विश्वास करता हूं, मैं पौरुष में विश्वास करता हूं। उन्होंने कभी हताशा और निराशा का उपदेश नहीं दिया, उन्होंने हमेशा मानव के अंतर में सोई हुई शक्तियों को जागृत करने का प्रयास किया। यही कारण है भगवान महावीर के युग में, भगवान महावीर का ही एक शिष्य जो गोशालक था, वो भगवान महावीर से दूर हटकर उसने एक अपना अलग पंथ स्थापित किया, आजीवक मत। उसका सिद्धांत था कुछ मत करो। एक दिन उसने चारों भवों को बुलाया और पांच पांच साल के दाने दिए, चावल नहीं साल, साल उगती है चावल उगता नहीं। और कहा जब मैं चाहूंगा तो वापस लूंगा, संभाल के रखो। बड़ी बहू ने देखा क्या है, हमने सोचा कि हमको कोई हीरो का हार देंगे, हीरो की अंगूठी देंगे, ये साल के दाने पकड़ा है और जब चाहूंगा तब लूंगा, दिमाग सटिया गया है। बुड्ढे का दिमाग का स्क्रू खिस गया, पांच दाने साल के, क्या करना, चाहूंगा जब वापस लूंगा, दे देंगे मुट्ठी भर, अंदर बहुत पड़े, आगे आई और फेंक दिया। दूसरी बहू ने सोचा इनके हाथ के दिए हुए हैं तो चलो, उसने उनको मसल के चावल निकाल के खा गई, पवित्र ससुर के दिए। तीसरी ने पांच दाने ले जाके एक डिब्बी में बंद किए, सुरक्षित रख दिए। छोटी बहू ने सोचा कि ये क्या बात है, पांच साल के दाने क्यों दिए, चावल नहीं दिए। चिंतन करते करते उसको ध्यान आया कि ये उगते हैं। अच्छा, अपने भाई को बुलाया, बोने को दिए अलग बोना, फिर फसल आई फिर बुआए, फिर फसल आई फिर बुआए, अब तो इतने हो गए, एक तो पूरा खेती हो गया उसका। और जब बहुत ढेर हो गया, एक दिन सेठ ने कहा मेरे दाने लाओ। सच बोलना, बड़ी बहू को कहा वही दाने है, उसका मुंह छोटा सा हो गया क्योंकि उसने तो फेंक दिया। दूसरी को कहा ला दाने, तुम्हें तो खा गई। तीसरी को कहा भाई मेरे दाने एक डिब्बी में थे, ला के दे दिए, ये वही है। चौथी को कहा दाने, तो वहां थप्पी बता दी जो लगी हुई थी साल की, ये वही दाने, ये उनकी संतान है सर। बुआए फिर बुआए, इतना ढेर हो गया। सेठ ने कहा शाबाश, मेरे घर की मालकिन ये,
बड़ी बहू को ना झाड़ी पूछे लगा, यहां रहना हो तो यही करना पड़ेगा, तो इसी काबिल है। और दूसरी बहू जो खा गई, उसने कहा रसोड़ा संभाल। पर तीसरी को कहा ये खजाने की चाबियां संभाल के रख। तो बंधुओं, छोटी ने ऐसा क्या चमत्कार किया जिसको घर की मालकिन बना दिया? उसने वो चमत्कार किया जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकती। एक दाने के लाखों करोड़ दाने बना दिए। इसको कहते हैं वर्धमान होना, बढ़ाना अपने जीवन के अंदर। ज्ञान में बढ़े, त्याग में बढ़े, तप में बढ़े, साधना में बढ़े, सेवा में बढ़े, गुणों में बढ़े। अगर आप उधर बढ़ते हो तो आप वर्धमान के अनुयायी, और उनकी भक्ति करना सार्थक है। क्योंकि महावीर की जय तो बोलते हैं पर कभी कभी वर्धमान को भी याद करो, क्योंकि ये मूल नाम है, उससे प्रेरणा मिलती है कि हम गुणों को बढ़ाएं, सच्चाई को बढ़ाएं, ईमानदारी को बढ़ाएं, नैतिकता को बढ़ाएं, गुणों को और ज्ञान को बढ़ाएं, साधना को बढ़ाएं। कितनी बड़ी आपकी साधना है, 25 साल का हो गया तो भी कहते हैं बोल भाई समय करता नहीं, बाबू जी मैं तो माला फेरता हूं। 30 वर्ष का मिला बोल कि बाबू जी मैं तो माला करता हूं, अभी पहली कक्षा में ही बैठा है। अरे दूसरी कक्षा में तो आज सामयिक दूसरी कक्षा है, पोषक तीसरी कक्षा है। अगर बढ़ना है तो साधना में बढ़ो,